और हमको तो लगता है कि दीपक जी और बाबूलाल जी इकट्ठे दिल्ली गए थे, इकट्ठे दिल्ली से लौटे, पीछे पीछे अर्जुन जी भी आए। हमको लगा कि स्पीकर ने तय कर लिया है कि रघुवर जी को कैसे जेल पहुंचाया जाए। ये थ्योरी दिल्ली में बनी, जिसके बारे में कल दीपक जी ने कहा कि बाबूलाल जी, दीपक जी और अर्जुन मुंडा जी का तीखड़ी बना कि धीरे धीरे हेमंत सोरेन सरकार का नाम लो और कारनामा रघुवर दास जी का बताओ, रेफरेंस रघुवर दास जी का दो ताकि उस पर जांच हो और रघुवर जी जेल जाए। ये पूरी कहानी आपको आज हम बताएं। आज इतना ही कहना था, दीपक जी को फिर से बोलेंगे। अचानक आप लोग को भी 4:30 कहां से याद आ गया? आपके नेता लोग भी कल से 4:30 शुरू हो गए। पहले तो एक नेता बोलता था कि हमको जो बोलना था बोल दिए, चल जाओ 4:30 बजे, एगो पोसा हुआ भोपू है। फिर बोलता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी है, किस डिमोलाइजेशन में लोग आ गए, अब तो गाली गलौज पे उतर गए हैं। क्या हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करें? क्या आपके कान सुनने को तैयार हैं? क्या हम लोग हर सच्चाई को उगले फोटो के साथ कि कौन सा पदाधिकारी देश के किस नेता के साथ मंच पे किस प्रकार से मौजूद था? आंखें देख सकेंगी? कान सुनने को तैयार रहेगा तो भाजपा बता दे, उसी भाषा में आपको हम लोग बताएंगे। आज इतना ही, विशेष बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है, उसके लिए थोड़ा हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी व्यस्त रहेंगे, समाचारों की कोई कमी हमको लगता है कि आप लोगों को अब नहीं होगी जून जुलाई तक, उसके बाद तो फिर त्योहारों का मौसम आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।